फ्रेंड्स, बहुत दिन पहले ग्राउंड में सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। जल्दी जल्दी पास करो बॉल। और ये पिंकी ने किया आउट। आप मेरी बैटिंग है, अब मैं खेलूंगी। ला दे बैट। नहीं नहीं, ये नो बॉल था। अरे लेकिन राजू ने बताया आउट है, इसीलिए तो उसे अंपायर बनाया है। नहीं, मेरी बैट है, मुझे एक और बैटिंग चाहिए। नहीं, ये चीटिंग है। फिर इसके बाद हम लोग तेरे साथ कभी नहीं खेलेंगे। हाँ हाँ, जाओ मत खेलो। राजू की बैट टूट गई है, तुम्हें मेरे अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो ऐसे ही करूँगा, मंजूर है तो बोलो। मोटे, जल्दी से पिंकी को बैट दे दे। हाँ हाँ, चीटिंग मत करो। मैं नहीं दूंगा बैट, मुझे तो बैटिंग। सारे बच्चे झगड़ने लगे। गुड्डू ने जोर से चिंकी के बाल खींचे और बैट लेके वहाँ से चला गया। ये मोटा हमेशा ऐसा करता है, सारा खेलने का मूड ही खराब कर दिया। मैं घर जा रही हूँ। अरे चिंकी रुको, हम कुछ और खेल खेलेंगे। नहीं, मेरा मूड बहुत बेकार हो रहा है, मैं जा रही हूँ। चल राजू, मम्मी बुला रही है। अरे हाँ दीदी, लेकिन मम्मी की आवाज़ कहाँ? मैंने कहा ना चल। चिंकी बहुत गुस्से में थी, इसलिए राजू को लेकर वहाँ से निकल गई। अरे यार, गुड्डू के बच्चे को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगा। मैं इसके ऊपर रोबोट ही छोड़ दूंगा। रोबोट? रोबोट सच में थोड़ी होते हैं। अरे सच में, अंकल जॉर्ज ने एक रोबोट बनाया है। वो साइंटिस्ट अंकल जॉर्ज, उन्होंने मुझे उनका रोबोट दिखाया। वो सब काम करता है, वो नाच सकता है, गा सकता है और साथ ही साथ हमारे साथ खेल भी सकता है। और पता है, हम जो भी ऑर्डर कर दे वो उसे पूरा करता है। अरे वाह। और पता है, वो एक ही रोबोट 200 आदमियों की ताकत रखता है। वो इस मोटू गोलू को एक सेकंड में चपटा कर देगा। हाँ हाँ, फिर तो हमें जरूर अंकल जॉर्ज से मिलना होगा। मुझे भी उस रोबोट से मिलना है। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज हुई। ऐसी तेज आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान गिर रहा है। दोनों अपने हाथों से अपने कानों को बंद करके इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तूफान ने पूरे शहर को हिला दिया। तभी सामने जॉर्ज अंकल दिखाई दिए। वो बहुत डरे हुए थे और दौड़ते हुए आ रहे थे। बच्चों बच्चों, जल्दी भागो, जल्दी घर जाओ, यहाँ कुछ अघटित होने वाला है। क्या हुआ अंकल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई है, बचाओ। सभी को मुश्किलों से बचाने वाली अपनी वंडर गर्ल पिंकी तो खुद ही आज मुश्किल में फंस गई थी। रोबोट्स ने हमला कर दिया है, जल्दी से कहीं छुप जाओ, जाओ कहीं छुप जाओ। जैसे ये आंधी एक सेकंड में शुरू हुई थी, उसी तरह एक सेकंड में ही सन्नाटा छा गया। साइंटिस्ट अंकल जॉर्ज उनकी तरफ भागते हुए आए और कहने लगे, यहाँ मत रुको, ये जगह खतरे से खाली नहीं, जाओ यहाँ से, भागो। लेकिन हुआ क्या है, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं तुम्हें सारी सच्चाई दिखाता हूँ। ये मेरा टाइम ट्रेवल वॉच है, इस पर हाथ रखो। चाहूँ मैं या ना चाहूँ, टाइम वॉच के संग भूतकाल में पहुंच जाऊं। फिर वो तीनों झट से भूतकाल में साइंटिस्ट लैब में पहुंच जाते हैं। हम कहां आ गए? अभी हम 2 दिन पहले आ गए हैं, जब मेरा रोबो बनकर तैयार हो गया था। वो देखो सामने, मैं रोबोट बना रहा हूं। फाइनली मेरा रोबोट बन गया। हेलो मिस्टर जॉर्ज, मैं हूँ तुम्हारा रोबो। हेलो, और मैं हूँ तुम्हारा इन्वेंटर। इंसान की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ये मेरा लैब है। वो एक बटन दबाते हैं और रोबो नाचने लगता है। मिशन सक्सेसफुल, अब रोबो तुम गाना गाकर दिखाओ। मेरे सिस्टम में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती सारे गाने हैं, कौन सा गाना गाऊं? हिंदी गाना गाओ।
लकड़ी की काटी काटी पगोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा तोड़ा। अरे वाह शाबाश, अब मुझे कोई फिजिक्स का फॉर्मूला बताओ। क्वांटम थ्योरी बताऊं या ग्रेविटी? वेरी गुड, तुम टेस्ट में पास हो गए हो, मतलब मैं जीत गया। यस, सूर की बिजली चमकती है और वो तीनों वर्तमान काल में फिर से वापस आ जाते। मैंने रोबो की बहुत सारी टेस्ट की, लेकिन अचानक से आज सुबह रोबो के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई। मेरा कोड करप्ट हो गया। अभी जो आंधी आई थी वो भी उसी का परिणाम है। जिस रोबोट को मैंने इंसानों के मदद के लिए बनाया था वही अब इंसानों के लिए खतरा बन चुका है। उसे इंसान नहीं बनाया और अब उसे इंसानों के ऊपर राज करना है। ये कैसे पॉसिबल है अंकल? अरे उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अब सिस्टम करप्ट होने की वजह से वो कुछ भी कर सकता है। अब उसे ये लगता है कि इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो इंसानों को नीचा दिखाना चाहता है। उसने मेरे ऊपर हमला किया इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। आप टेंशन मत लीजिए, आप यहीं रुके, मैं कुछ करती हूँ। तब साइंटिस्ट सोच में गए कि इतनी ताकतवर रोबो के सामने एक छोटी सी लड़की कैसे टिकेगी। पिंकी फौरन वहाँ से गायब हो जाती है। वंडर गर्ल का रूप लेकर साइंटिस्ट लैब में पहुँच जाती है। जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द हमारी आर्मी की टीम तैयार करनी है और इंसानों पर हमला करना है। इंसान हमसे कम ताकतवर हैं, इसलिए हम उनसे जीत सकते हैं। तभी एक रोबो को करंट लगने जैसा महसूस होता है और धीरे धीरे सभी को करंट लगने जैसा महसूस होता है। सिस्टम एरर, सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है, जल्दी जाकर सिस्टम ठीक करो वरना सबको करंट लगेगा। हमारा सिस्टम ही हमारी ताकत है जो हमें एक जैसा बनाती है। अभी जल्दी काम करो, आज शाम तक 5000 रोबोट्स बन जाने चाहिए। वहाँ पर उन्होंने अपने जैसे और लोग बना लिए होते हैं। उनकी बातें सुनते ही वंडर गर्ल होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि उसे अभी के अभी जाकर इन सारे रोबोट को खत्म कर देना चाहिए, इसलिए वो जोर से उनके सामने छलांग लगाती है। मैं हूँ वंडर गर्ल और मैं बचाने आई हूँ मेरे शहर को। तुम सभी लोग अपने अपने बुरे काम को बंद कर दो। ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? ए बच्ची हट हमारे रास्ते से। मैं हूँ वंडर गर्ल। वंडर गर्ल ने अपनी सारी शक्तियाँ एक की और जोर से रोबोट की तरफ फेंकी, लेकिन रोबोट इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अपने एक ही हाथ से सारी शक्तियाँ उसी के पास लौटा दी। शक्तियों का जबरदस्त मार लगने के कारण उनको जोर का झटका लगा। हमेशा स्ट्रॉन्ग होने वाली हमारी वंडर गर्ल आज रोबोट के सामने हार रही थी। नहीं, मैं इस तरह हार नहीं सकती, मुझे कुछ करना होगा। तभी सामने उसे सिस्टम बॉक्स दिखता है। अरे हाँ, ये रोबो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि सभी का कंट्रोल इस सिस्टम में है। मैं अगर इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दूँ तो ये सारे रोबोज ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तभी पिंकी उठकर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ती हुई अपनी सारी ताकत उसे डिस्ट्रॉय करने में लगा देती है और बहुत जोर से हथौड़ा उस बॉक्स के ऊपर मारती है। तभी पीछे से एक रोबो उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम क्या कर रही हो, उसे डिस्ट्रॉय मत करो। और एक जोर का हथौड़ा वंडर गर्ल बॉक्स के ऊपर मारती है और उसके साथ सिस्टम चकनाचूर हो जाती है और वैसे ही सारे रोबोट वहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। थैंक गॉड, बाल बाल बचे, मेरी पावर्स शहर को बचाने के काम में आई। शहर के ऊपर जो रोबो का खतरा होता है वो टल जाता है। फिर एक बार अपनी वंडर गर्ल यानी पिंकी अपने पावर से शहर को बचा लेती है।